जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जो नए व्यूवर्स हैं वो काइंडली जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है हमारा, आपको चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। जी मार्केट के हवाले से बात करते हैं, और आज हमें सुबह जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कॉल ली थी बाय कॉल, उसका भी रिज़ल्ट आप चेक करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा बाय कॉल के हवाले से। और यहाँ पे जो है अबाउट में जाके आप हमारे ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक इसका यहाँ पे दिया गया है ट्विटर का, यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर को, और हमारा जो चैनल उसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें। जी तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रुप है, इसके मैं आपको ये आज टुडे मैंने जो है रिकमेंडेड शेयर में GSKCH, ग्लैक्सो स्मिथ और शेल सेल, मैक्टू फूड, कैपको, एग्रो पॉलीमर, स्मेल लोट, निशा चुनिया, गुलेमा टेक्सटाइल, PABC, FCEPL, INIL, मोगा और राहा की मैंने बाय कॉल सुबह दी थी 9:10 पर मार्केट से आधा घंटा पहले। और इसके मैंने जो है नीचे मैंने लिखा था बाद में कि 43,800 जो है उसके बाद रेजिस्टेंस हमें आ रही थी, तो जिन लोगों ने जो चीज़ें ली हुई थी, माल लिया हुआ था, उसको वहाँ पे सेल करते जाएं ताकि आपको प्रॉफिट जो है ना वो बुक हो सके। 43,800 के बाद मार्केट ने दोबारा दिन के टाइम जो है वो इसको भी क्रॉस कर लिया, और तकरीबन 800 पॉइंट प्लस जो है ना मार्केट जो है वो क्लोज़ हुई। और सबसे पहले हम देखते हैं JSKCH के रिजल्ट कैसा रहा। ये JSKCH जो है ना वो 248 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और 5 रुपये 50 पैसे इसने आज गेन दिया। 249 इसने आज हाई लगाया, तो ये हमारा जी बड़ा अच्छा इसके ऊपर जो है वो बाय कॉल रही, और हमने टाइमली बता दिया था कि आज इसके अंदर ट्रेडिंग हो सकती है। हाँ, इसके अलावा जो है मैंने कल एक वीडियो भी शेयर की थी मार्केट के हवाले से कि आज मार्केट कैसी रहेगी, और मैंने उसके अंदर बताया था कि आज मार्केट जो है ना वो पॉजिटिव ट्रेंड उसका हो सकता है, तो आज भी तकरीबन वैसे ही हुआ। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैंने कल वीडियो बनाई थी आज की मार्केट के हवाले से। और कल जो हम हमारा जो ग्रुप है वो हम रात को ओपन करते हैं तकरीबन 10:30 के से लेकर 11:30 बजे तक, इसमें हम ग्रुप डिस्कशन होती है, और उसके अंदर जो आपके सवाल आते हैं उसके हम जितना हो सकता है हम उसके जवाब देते हैं। और कल भी मैंने जो है ग्रुप में बताया था कि सीमेंट सेक्टर जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अच्छे बाय लेवलिंग आए हुए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान ने भी अपर कैप लगाया और पाइनर सीमेंट ने भी अपर कैप लगाया, तो ऐसी बात नहीं कि मार्केट जो है ना वो कमाने का मौका नहीं देती। मार्केट कमाने का मौका ज़रूर देती है, लेकिन टाइमली जो है ना वो उसमें इन होना चाहिए और टाइमली एग्जिट भी होना चाहिए। और हम जो है ना बार बार वो कहते हैं जितने भी शेयर हम रिकमेंड करते हैं ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्क्रिप्ट होते हैं, इनके अंदर जो है वो मार्केट के हवाले से, इनके अगर मार्केट क्रैश भी होती है या मार्केट डाउन भी होती है तो इनके अंदर आपको इतना जो है ना वो नेगेटिविटी नहीं दिखाई नहीं देती। तो ये अपने हायर साइड पे ही जो है ना, अगर थोड़ा सा लो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद दोबारा ये अपने हायर साइड पे वापस आ जाते हैं। तो इनके अंदर जो है ना वो एक एवरेज बाइंग बनती है, एवरेज बाइंग के साथ इनके अंदर हम जो है ना अगर बैठ सकते हैं तो हमें जो है ना आफ्टर 1 वीक या आफ्टर जो है ना आफ्टर 10 डेज हम इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट के साथ ही जो है एग्जिट होते हैं। तो इसके साथ हमारा जो दूसरा वो था वो शेल शेल और सर्व। जी शेल ने भी आज 1.57 जो है ना इसने हाई लगाया, सॉरी 1.57 इसने जो है ना वो गेन दिया, और परसेंटेज 1.36 बनता है, और ये 117 पॉइंट तकरीबन 118 जो है इसने आज अपना हाई लगाया। इसके बाद है जी सर, इसके बाद है ये सर कंपनी फार्मास्यूटिकल, इसने जो है आज 118.15 पे ट्रेड कर रहे हैं, 2.63 इसने आज गेन दिया, 2.28% बनता है,
119.30 इसने जो है ना वो हाई लगाया आज का। तो जिन भाइयों ने हमारे 85 पर बाइंग किया तो उनको आज जो है ना वो एक हेल्थी मार्जिन उनको मिला। उसके बाद ये मैक्टो फूड जी, मैक्टो फूड ने भी आज अभी भी ये अपने हाई पे ही है इस वक्त 20.95, और इसी पे ये क्लोज हुआ है 29 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। इसने भी तकरीबन 0.95 पैसा जो है ना वो पर शेयर के हिसाब से गेन दिया है। उसके बाद कैपको, कैपको का शेयर है इस वक्त ये 27.75 पे ट्रेड कर रहा है, और ये कैपको जो ये होल्डिंग वाला शेयर है, इसको आप जो है ना होल्ड करें तो ये आपको ये 30 से नीचे नीचे 27-26 पे आता है, और यहाँ से इसकी अगर बाइंग करें तो ये आपको 30 प्लस में वापस जाके आपको अच्छा आप इसे एग्जिट हो जाएं। इसकी बस यही रेंज बनती है 26-27 पे, इस पर बाय करें, और 30 से ऊपर जहाँ पे भी ये आपको मतलब है कि सेल आउट होता है 31 पे 32 तक ये जाता है, तो वहाँ तक इसको जो है ना सेल आउट करते हैं, फिर ये वापस आपको नीचे मिल जाता है। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है ना ट्रेड करता रहता है, जब तक मार्केट पॉजिटिव है आप इसको ना बेचें। पॉजिटिवनेस के अंदर जो है ना अगर मार्केट डाउन होती है तो इसको आप एवरेज बाय कर सकते हैं, और ये जो है ना आपको लॉस नहीं देता ये शेयर, ये आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन स्ट्रेटजी के साथ इसके अंदर काम करना है आप लोगों ने, इसके अंदर आपने एवरेज बाइंग के साथ इसके अंदर बैठना है, और वन टाइम बाइंग नहीं करनी। वन टाइम बाइंग किसी भी स्लिप के अंदर आपने नहीं करनी, आपने उसके अंदर एवरेज बाइंग करते जाना है, तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा और वो एट द एंड आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। उसके बाद है जी EPCL और स्पेल। एंग्रो पॉलीमर ये 59.69 पर ट्रेड करा, 0.54 उसने आज हमें गेन दिया, जो परसेंटेज बनता 0.91। ये 60s का आज हाई लगाया, और इसने जो है ना ये भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्क्रिप्ट है, ये भी इतना टूटता नहीं है, इतना नीचे नहीं गिरता, और इनके अंदर जो है ना आप, मैं यही एडवाइस करता हूँ बार बार कि आप इन स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग किया करें, तो आपको जो है एट द एंड आपको प्रॉफिट ही होगा, आप लॉस नहीं होगा आपको। उसके बाद स्पेल, स्पेल ने जो है ना 15.97, ये शुरू में थोड़ा सा जिसने जो है ना वो थोड़ा सा इसने हमें ठगाया, लेकिन बाद में इसने भी 0.48 के साथ इसने भी हमें जो है ना वो पॉजिटिव के अंदर क्लोजिंग दी। 3.10 बनता है इसकी जो है परसेंटेज में, तो ये भी अच्छा शेयर है। वही लोड लोड 0.26 इसने आज पैसा में गेन दिया, और 2.36% बनती है इसकी। ये भी अच्छा शेयर है, इसके अंदर भी आप लोगों को होल्डिंग जो है ना अपने पोर्टफोलियो में इसको लाजमी ऐड किया करें। उसके बाद है NCL, निशा चुनिया 0.56 जो है ना इसने हमें आज हमें जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, और 47.50 ने आज अपना हाई लगाया। अच्छा, ये जो वो तमाम शेयर हैं जो कि हम ग्रुप में हमसे सवाल होते हैं कि भाई हम कौन से शेयर के अंदर ट्रेडिंग करें, और ताकि हमारा पैसा भी जो है वो महफूज रहे और हमें एट द एंड नुकसान भी ना हो, तो हम आपको यही स्क्रिप्ट जो है आप गाइड करते रहते हैं, ताकि आप इन्हीं के अंदर जो है ना वो ट्रेड करें। इसके अलावा इधर उधर पैनी स्टॉक के अंदर और बाकी इसके सट्टे वाले स्टॉक के अंदर ट्रेड ना किए करें, जो आप उसमें आपको जो है ना पैसा भी फंस जाता है, फिर आप लोग बाद परेशान होते हैं कि भी लॉस करके फिर आप लोग एग्जिट वहाँ से होते हैं। उसके बाद गुल अहमद टेक्सटाइल, गोलेम टेक्सटाइल भी 0.56 इसने हमें आज जो है ना वो गेन दिया, और लेकिन ये खैर ये गया तो 44.40 तक गया था,
और इसने जो है क्या उसको बोलते हैं 1.31% गेन दिया, और ये भी होल्डिंग वाले शेयर हैं ये 43, मतलब ये अभी बाइंग की है किसी ने, तो ये आप देखेंगे मार्केट पॉजिटिव रही तो ये 47-48 तक जो है ना वो जा सकता है, मैक्सिमम 50 तक इसकी रेंज होती है मार्केट पॉजिटिव रही तो, और अगर नेगेटिव भी हो जाए मसला नहीं है, कितना गिरता भी नहीं है ये शेयर, ये आपको जो है ना ये भी आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है और ये भी आपको जो है ना वो गेन दे के जाता है। उसके बाद PABC, ये शेयर जो है ना शुरू में एडवाइस भी हमने किया था, ये हमने जब ग्रुप में कहा था कि 43,800 के आसपास इसको सेल आउट करें चीज़ों को, तो वहाँ पे हमारे जो है काफ़ी भाइयों ने सेल कर दिया, उस टाइम ये पॉजिटिवनेस के अंदर ही था। तो उसके बाद हमने ये देखें ये 26, 69, 224 पे, और उसके बाद जब ये ओपन हुआ 26, 76 और 26, ये इसी में घूमता रहा ये, और ये 0.12 पैसा अगर गिर जाएगा तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आपको जो है ना ये कल मार्केट पॉजिटिव हुई तो ये आपको इंशाल्लाह ये भी आपको पॉजिटिव के अंदर मिल जाएगा वापस, और ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। उसके बाद है जी FCEPL, FCEPL 1 रुपीज़ इसने आज हमें गेन दिया, और वैसे तो 82.89 तक ये गया, जिन्होंने वहाँ पे सेल आउट किया हाई साइड पे, उन्होंने तो खैर 2 रुपये के आसपास कमाया, और ये भी अच्छा शेयर है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। उसके बाद INIL, जी इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी सुबह हमने आपको रिकमेंड किया था, और इसने 4 रुपये 10 पैसे हमें गेन दिया, और ये आप देख सकते हैं हमने ग्रुप में के अंदर ये INIL जो है ना आज स्पेशल ऐड किया था ग्रुप के अंदर, और इसने भी हमें अच्छा गेन दिया 4 रुपये का। उसके बाद मुगल, मुगल ने जहाँ भी 4.88, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही जो है ना सीमेंट सेक्टर चलता है तो साथ इसके आयरन जो है वो स्टील सेक्टर भी चलना शुरू हो जाते हैं, डीजी खान ने अपर कैप लगाया, पाइनियर ने अपर कैप लगाया, तो ये मुगल जो है जो स्टील इंडस्ट्रीज है यहाँ पे आपको हायर साइड पे इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। मुगल के बाद है जी आगा, जी आगा स्टील मिल जो है उसने आज थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर सका, बल्कि परफॉर्म क्या नहीं किया, इसने 19 के जो है ना ये हाई के आसपास गया था, तो हमने तो उस टाइम जो है 43,800 रेजिस्टेंस आई थी, हमने अपने जो ग्रुप में कहा था कि आप यहाँ पे चीज़ों को सेल करें ये वापस नीचे मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने भाइयों ने बाय किया तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह ये भी चलता है, अभी हर एक सेक्टर के अंदर एक चीज़ चलती है, ये कि हर एक सेक्टर नहीं चलता, फिर अगर मतलब है कि अगर मुगल चला है तो फिर आगा नहीं चलेगा, इस तरह मतलब हर एक स्क्रिप्ट नहीं चलता, तो इसलिए जो है ना आज मार्केट बड़ी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और ये 0.21 नेगेटिव अगर ये हो भी गया तो मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह आपको जो है ना ये कल आपको देखेंगे ये थोड़ा बहुत ये परफॉर्म कर सकता है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी ये मैंने फिर जो है ना ये लिखा हुआ था 43,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, तो जिन भाइयों ने प्रॉफिट बुक किया इसके आसपास उन्होंने जो है ना वो अच्छे मार्जिन के साथ वो एग्जिट हुए, और जिन्होंने होल्ड किया वो इंशाल्लाह कल जो है मार्केट अगर दोबारा पॉजिटिव होगी तो दोबारा इसको जो है ना वो आपसे, और कर जिन्होंने नहीं बेचा नहीं है होल्ड किया तो होल्ड करके इंशाल्लाह कल दोबारा जो है ना ये मार्केट पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो इसको आप दोबारा सेल कर सकते हैं। मैंने ये भी लिखा था अगर इसको क्रॉस करती है फिर 44,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही हुआ 43,800 के बाद रेजिस्टेंस आई तो 300 पॉइंट ये नीचे आई, उसके बाद दोबारा जो है ना ये मार्केट ने आप तेज़ी आई और मार्केट जो है ना 4,800 प्लस जो है ना वो मार्केट बंद हुई। ये देखें जी मार्केट जो है ना
उसने आज नया हाई लगाया 43,921 का। उसने 800 जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी आज क्रॉस किया। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री है उसका लिंक दिया गया, उसको लाजमी जो है ना ज्वाइन करें ताकि आपको और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी कोई जो है ना मैं आपसे मैं जो है वो सिंगल पैनी भी अपने उससे नहीं लेता ग्रुप मेम्बरान से। जितने में हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की करता हूँ, वह एक इंशाल्लाह करता रहूँगा। और बस जो है ना मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो है ना क्या उसको बोलते हैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ और सबका भला हो सके। तो इसके साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।